सोलन में आज से सभी मंदिर खुल जाएंगे, ये घोषणा सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मंदिरों को लेकर एसओपी जारी कर दी गई है। उन्हीं नियमों के अनुसार सोलन के मंदिर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिरों में ज्यादा भीड़ एकत्र न हो, यहाँ से कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। उन्होंने इस मौके पर सोलन की जनता से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने आग्रह किया है कि अगर बेहद ज्यादा जरूरी है तभी मंदिरों का रुख करें, अन्यथा ऑनलाइन ही भगवान के दर्शन करें। उन्होंने कहा कि मंदिर खुलेंगे लेकिन मंदिरों में उन्हें ही प्रवेश करने दिया जाएगा जिन्हें खांसी जुखाम और बुखार ना हो। उन्होंने बताया कि मंदिरों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और अगर उनमें किसी भी तरह के लक्षण पाए जाएंगे तो उन्हें आवश्यक उपचार भी दिया जाएगा, साथ ही अगर जरूरत पड़े तो उनका टेस्ट भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के नियमों को तोड़ने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिरों को थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइज भी किया जाएगा। मंदिर अभी 10 तारीख से खुले, उसकी एसओपी आज हमने जारी कर दी है जो प्रदेश सरकार ने इशू की। उसमें यह है कि 10 तारीख से सारे मंदिर जो खुलेंगे उसमें है कि उसमें प्रत्येक जगह जो एंट्री में उसका प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, प्रॉपर टेम्परेचर लिया जाएगा और जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जिसका जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वही आदमी मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। ILI टाइप का जिसको जुकाम है कोई है उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 65 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे गर्भवती महिलाएं और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के पेशेंट आदमी हैं वो मंदिर में जाना उनका वर्जित है। और ये भी है कि मंदिर में जो घंटी बजाना, किसी प्रकार का म्यूजिक, कीर्तन, भजन, हवन और प्रसाद का वितरण आदि जो है उसके पूरी रोक है। ना आइडल को छुएगा और चुपचाप एक मिनट के अंदर खड़ा होकर दर्शन करेगा, दर्शन करके तुरंत बाहर निकलेगा। किसी प्रकार की भीड़ वहाँ नहीं होगी और सेग्रीगेटेड तौर पे वहाँ पे वो ये सारी ये दो दर्शन करेंगे। और जो वहाँ पे जितने भी है कि हर समय में फ्रिक्वेंटली 1% हाइपोक्लोराइड से इसका सैनिटाइजेशन लगातार किया जाएगा। जो रेडिंग्स है उसको लगातार उसको सैनिटाइज किया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार का संक्रमण ना रहे। इसका ऊपर के मंदिर ज़रूर खुले हैं, लोगों से यही आग्रह है कि घर बैठे दर्शन करें और घर बैठे भक्ति करें और मंदिर बहुत ही आवश्यक हो ऐसे को तभी जाएं और फालतू में ज़रूरी नहीं कि मंदिर जाना ही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसकी देखरेख हमारे मजिस्ट्रेट करेंगे। क्या इस SOP का अनुपालन हो रहा है उसकी टीमें गठित है ऑलरेडी, वही उसको देख करेगी और जहाँ पे कहीं किसी प्रकार की अनदेखी की गई है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।